नमस्कार, मैं हूं दीपिका पात्रे और आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ड्रोन कैमरा उड़ा, उससे साफ जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियां किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये ड्रोन कैमरा पहली बार नहीं उड़ा है, इस तरह से बहुत बार उड़ाए जा चुके हैं। कल दो बार सुबह भी उड़ा और शाम को भी उड़ा ड्रोन कैमरा। आज ये सुबह 7 बजे पहले मस्जिद पर मंडरा रहा था, फिर उसके बाद व्हाइट टैंक पर मंडराया, फिर उसके बाद मुख्य मसोलियम पर। आधे घंटे तक उड़ता रहा ये कैमरा, लेकिन किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियां इसकी सुरक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है, बल्कि सिर्फ किसी भी तरह पर्यटक को लूटने और ताजमहल से पैसा कमाने के होड़ लगी हुई है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में इस स्मारक को कोई भी बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसमें रैकिंग भी की हो किसी ने, क्योंकि ये इतना पावरफुल कैमरा था। ये जब कल उड़ा था तब नहीं रोका गया और आज फिर उड़ा दिया गया, नहीं रोका गया, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश है। इसकी जाँच होनी चाहिए। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।